नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे पपीते का हलवा। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए मैंने थोड़ी पकी हुई पपीता ली है। आप इसके लिए कच्ची पपीता ले सकते हैं, ज़्यादा पकी हुई पपीता ना लें। अब हम इसे काटेंगे। देखिए, मैंने इस प्रकार की पपीता ली है, ना ज़्यादा कच्ची ना ज़्यादा पकी। अब हम इसे छील लेंगे। छीलने के बाद अब हम इसे कीस लेंगे। देखिए, हमने पपीता को किस लिया है। अब हम इसका पानी निकाल लेंगे। यह पकी पपीता है, इसलिए हम इसे हल्का सा दबाकर इसका पानी निकाल लेंगे। देखिए, इस प्रकार से। अब कढ़ाई में 2 चम्मच घी डालेंगे। घी जब हल्का गर्म हो जाए तब हम इसमें किसा हुआ पपीता डालेंगे और इसे भून लेंगे। हमें इसे 3 से 4 मिनट तक भून लेना है। मैंने यहाँ गैस का फ्लेम मीडियम रखा है। देखिए, पपीता भूनकर तैयार है। अब मैं इसमें 1/2 कप दूध डाल रही हूँ और इसे भी अच्छी तरह से मिलाकर भून लूँगी। दूध डालने के बाद अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। दो से तीन मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें शक्कर डालेंगे। मैंने 5 टीस्पून शक्कर लिया है और इसे डालकर अच्छी तरह से मिला लूँगी। आप अपने हिसाब से शक्कर की मात्रा बढ़ा भी सकते हैं। अब हम 1 कढ़ाई में 1 चम्मच घी डालेंगे और कटे हुए ड्राई फ्रूट डालकर भून लेंगे। मैंने यहाँ गैस का फ्लेम लो रखा है और हमें इसे 1 मिनट तक भून लेना है। भून कर तैयार है, अब हम इसे निकाल लेंगे। देखिए, हलवा बनकर तैयार है। अब मैं इसमें 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच दालचीनी पाउडर डालकर इसे अच्छी तरह से मिला लूँगी। मैं इसमें किसा हुआ नारियल डाल रही हूँ और इसे भी अच्छी तरह से मिला लूँगी। मैंने 2 टेबल स्पून नारियल किस लिया है, इसे अच्छी तरह से मिला लूँगी। अच्छी तरह से मिलाने के बाद अब मैं इसमें रोस्टेड ड्राई फ्रूट डालूंगी और इसे भी अच्छी तरह से मिला लूँगी। देखिए दोस्तों, हलवा बनकर तैयार है। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। यदि मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।